हेलो दोस्तों, तो चल रहा है नवरात्रि और बहुत लोग के घर में लहसुन प्याज नहीं बन रहा होगा, तो बिना लहसुन प्याज के हम लोग बनाएंगे आज सोयाबड़ी की ऐसी डिलीशियस सब्जी। इसको बनाना तो आसान है ही, साथ में इसको खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। देखिए, सोयाबड़ी का कोई अपना तो टेस्ट होता नहीं है, तो उस पर प्रॉपर टेस्ट लाने के लिए आप इस तरीके से सब्जी बनाइए और खाइए खिलाइए। तो आइए देखिए कैसे बनाया मैंने इसे। तो सबसे पहले एक कटोरा में मैंने देखिए पानी लिया है, पानी के अंदर में थोड़ा नमक ऐड कर दीजिए ताकि हमारा जो सोयाबड़ी का टेस्ट है वो अच्छा आ जाए। और देखिए, ये चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ा ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कम 250 ग्राम के लगभग में ये सोयाबड़ी लिया था, और इसको एक उबाल आने तक इसको बनने दीजिए। देखिए, हमारा सोयाबड़ी एकदम अच्छे से उबल चुका था, और आप इसको इस तरह से एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका सोयाबड़ी पूरी तरह से प्रॉपर पका है या नहीं। मतलब यहाँ पे इसको पूरा ऐसे देखिए, ऐसे आपका बड़ी टूट जाना चाहिए देखिए, और तब इसको ठंडे पानी से यहाँ पे छान लीजिए। थोड़ा सा ठंडा पानी देने से क्या होगा कि हम लोग का इसको निचोड़ना होता है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो देखिए, मैंने ठंडे पानी से देखिए निचोड़ लिया था। अब बढ़ते हैं मसाले की ओर। इसके लिए मैंने सिर्फ 3 टमाटर लिए हैं, अदरक और मिर्च लिया है। आप इसमें प्याज लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे खड़ा गोलकी जीरा ले लीजिए और दालचीनी का जो टुकड़ा होता है वो ले लीजिए। आप सबको एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। देखिए, मैंने इसे एकदम फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने मसालों को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, हल्दी, धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और सबको यहाँ पे ऐसे करके मिक्स कर लीजिए। देखिए, सूखे मसालों को जब आप इस तरह से मिक्स करेंगे ना, तो इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने लिया है 4 बॉयल आलू, इसको रफली चॉप कर लिया है। अब लीजिए कढ़ाई, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल यूज़ कर लीजिए। सोयाबड़ी में थोड़ा सा तेल लगता है, मैंने अपने डेली यूज़ से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला। अब यहाँ पर सूखी मिर्च का तड़का लगाइए और खड़ा जीरा, इस तरह से इन दोनों को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पे मसाला बना रखा था उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मसाला को थोड़ा सा भूनने दीजिए ताकि इसका जितना पानी भी है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। देखिए, ये मसाला हमारा तुरंत, देखिए तेल जब बहुत गर्म रहता है ना तो मसाला को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से मसाला को पूरी अच्छे से भून लीजिए। मसालों को प्रॉपर भून लेने के बाद में जब आपको लगे कि आपका मसाला पूरी तरह से सूख चुका है, तो फिर यहाँ पे आप नमक ऐड कर दीजिए। अपने नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, मसाले और नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। देखिए, हमारा मसाला लगभग यहाँ पे पूरी तरह भुना चुका था, तो यहाँ पे मैंने अपनी सोयाबड़ी और आलू को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट अच्छी तरह से मिला जुला के इसको थोड़ा भून लीजिए ताकि जितना भी मसाला है वो सोयाबड़ी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इसको ना मीडियम टू हाई आँच पे ही आप इसको भूनिएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए आलू भी हमारा ऑलरेडी पका हुआ है और सोयाबड़ी भी कुक हो रखा है, तो इसे सिर्फ हम लोग को भूनना है इसको ताकि मसाला का टेस्ट आ जाए। इस तरह देखिए, हमारा मसाला पूरा अच्छी तरह से सोयाबड़ी और आलू में मिल चुका था। तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग और अपनी जितना भी आपको ग्रेवी लेना हो उस हिसाब से यहाँ पे पानी को ऐड कर लीजिए। पानी में थोड़ा बॉयल आने दीजिए, जब इसको आप ढक दीजिए। ढकने के बाद में देखिए, इस तरह सब पूरा बॉयल आ चुका था हमारा, और ग्रेवी को आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रखिए, कम रखना है तो कम रखिए। त्यौहारों में इस तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ में बने रहें, जुड़े रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।